आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब और उसका अखीरला पाठ 19वां पाठ देश के दुश्मन। आज चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास के बारे में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं विषय बोध। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न, सुमित्रा के पुत्र का नाम बताइए। उत्तर, सुमित्रा के पुत्र का नाम जयदेव है। दूसरा, वाघा बॉर्डर पर सरकारी अफसरों के मारे जाने की खबर सुमित्रा कहाँ सुनती है। उत्तर, वाघा बॉर्डर पर सरकारी अफसरों के मारे जाने की खबर सुमित्रा माधोराम के घर रेडियो पर सुनती है। तीसरा, जयदेव वाघा बॉर्डर पर किस पद पर नियुक्त था। उत्तर, जयदेव वाघा बॉर्डर पर DSP के पद पर नियुक्त था। चौथा प्रश्न, जयदेव की पत्नी कौन थी। उत्तर, जयदेव की पत्नी नीलम थी। पांचवा प्रश्न, वाघा बॉर्डर पर मारे जाने वाले दो सरकारी अफसर कौन थे। उत्तर, एक हेड कांस्टेबल तथा दूसरा सब कांस्टेबल था। छठा, जयदेव ने तस्करों को मारकर उनसे कितने लाख का सोना छीना। उत्तर, जयदेव ने तस्करों को मारकर उनसे 5 लाख रुपए का सोना छीना। सातवां, जयदेव को स्वागत सभा में कितने रुपए इनाम में देने के लिए सोचा गया। उत्तर, जयदेव को स्वागत सभा में 10,000 रुपए देने के लिए सोचा गया। आठवां, मीना कौन थी। उत्तर, मीना जयदेव की बहन थी। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दीजिए। पहला, सुमित्रा क्यों कहती है कि अब उसका हृदय इतना दुर्बल हो चुका है कि जरा सी आशंका से कांप उठता है। उत्तर, सुमित्रा ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसने पति के बलिदान पर हृदय पर पत्थर रखकर सहन कर लिया था, अब उसकी हिम्मत टूट चुकी है, दे जरज हो चुकी है और जयदेव ही उसका इकलौता सहारा है। दूसरा प्रश्न, नीलम जयदेव से मान भरी मुद्रा से क्या कहती है। नीलम जयदेव से मान भरी मुद्रा से कहती है कि उसने इतने दिन कहाँ लगाए, उसकी तो राह देखते देखते आंखें पथरा गई हैं, पर जनाब को उसकी परवाह तक नहीं कि किसी के दिल पर क्या बीत रही है। तीसरा, जयदेव को गुप्तचरों से क्या समाचार मिला, अथवा देश के दुश्मन एकांकी में जयदेव को गुप्तचरों से क्या समाचार मिला। उत्तर, जयदेव को गुप्तचरों से यह समाचार मिला कि रात की अंधेरी में पुलिस पिकेट से 1-1.5 मील दक्षिण की तरफ कुछ लोग बॉर्डर पार करने वाले हैं, ऐसा शक है कि वे सोना स्मगल करके ला रही हैं। चौथा, जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल क्यों करा दी थी। जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल इसलिए करा दी थी क्योंकि उसे उधर आने से 2-3 घंटे पहले गुप्तचरों ने समाचार दिया कि रात की अंधेरी में पुलिस पीके से 1-1.5 मील दक्षिण की तरफ से कुछ लोग सोना स्मगल कर बॉर्डर पार करने वाले हैं। यह एक मौका था जिसे वह हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। पांचवा, नीलम क्यों चाहती थी कि DC दोपहर के बाद जयदेव को मिलने आए। उत्तर, नीलम इसलिए चाहती थी कि DC दोपहर के बाद जयदेव को मिलने आए क्योंकि जयदेव अभी थका हारा आया था, वह बहुत थका हुआ था। छठा प्रश्न, एकांकी में डीसी के किस संवाद से पता चलता है कि डीसी और जयदेव में घनिष्ठता थी। उत्तर, डीसी के इस संवाद से पता चलता है कि इनमें और जयदेव में घनिष्ठता थी। सर बैठा होगा ऑफिस की कुर्सी में, खबरदार जो यहाँ सर वर कहा।
मैं वही तुम्हारा बचपन का दोस्त और क्लासमेट हूँ, जिससे बिना हाथापाई किए रोटी हजम नहीं होती थी। सातवां, डीसी आकर सुमित्रा को क्या खुशखबरी देते हैं? उत्तर, डीसी आकर सुमित्रा को ये खुशखबरी देता है कि जयदेव की वीरता और साहस के सम्मान में उसे सम्मानित किया जाएगा। गवर्नर साहब की तरफ से 10,000 की इनाम राशि भी दी जाएगी। आठवां प्रश्न, जयदेव इनाम से मिलने वाली राशि के विषय में क्या घोषणा करवाना चाहता है? उत्तर, जयदेव इनाम से मिलने वाली राशि के विषय में ये घोषणा करवाना चाहता है, वे चाहता था कि उसकी इनाम राशि शहीद हुए अफसरों की विधवाओं को आधी आधी बांट दी जाए। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में दीजिए। पहला, चाचा अपने बेटे बलुआ के विषय में क्या बताते हैं? उत्तर, चाचा अपने बेटे बलुआ के विषय में बताते हैं कि वह भी बहुत लापरवाह है, वह भी 2-2 महीनों में 4-5 चिट्ठी जाने के बाद ही एक आध पत्र लिखता है और उल्टे हमें ही शिक्षा देता है। वह बहुत व्यस्त रहता है, उसे समय नहीं मिलता, उसकी ड्यूटी बहुत कड़ी है, उसे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती। दूसरा, चाचा सुमित्रा को अखबार में आई कौन सी खबर सुनाते हैं? उत्तर, चाचा सुमित्रा को अखबार में आई ये खबर सुनाते हैं कि अखबार में जयदेव की वीरता और सूझबूझ की खूब प्रशंसा हुई है। उसने तस्करों से बड़ी बहादुरी से मोर्चा लिया, उसने उनको मार भगाया था, उसने किस तरह 4 लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया, उसने उनसे 5 लाख रुपए का सोना छीन लिया था। तीसरा, जयदेव ने तस्करों को कैसे पकड़ा? उत्तर, जयदेव ने तस्करों को पकड़ने का पक्का इरादा किया। जब वे आधी रात को चौकी से 2 मील दूर एक खतरनाक घने ढाक के ऊबड़ खाबड़ रास्ते से बॉर्डर पार कर रहे थे, तभी उसने उनको चैलेंज किया। उन्होंने बदले में गोलियां चलाई, उनको चुनौती दी गई। तस्कर जीप लेकर भागने लगे, किंतु 2-3 जीपों ने उनका पीछा किया। जयदेव ने अपने अचूक निशाने से उनकी जीप का पहिया उड़ा दिया। जीप लुढ़क कर एक खड्डे में जा गिरी, तब उन्हें घेर कर पकड़ लिया। चौथा प्रश्न, नीलम अपने पति से उलाना भरे स्वर में क्या कहती है? उत्तर, नीलम अपने पति से उलाना भरे स्वर में कहती है कि मर्दों का दिल तो पत्थर होता है और विशेषकर रात दिन चोर डाकुओं तथा मौत से खेलने वालों तथा गोलियों की बौछार करने वालों का। नारी का हृदय तो सदैव प्रेम से भरा रहता है, उसके मन में अपने पति की प्रतिमा स्थापित रहती है। पांचवा, डीसी को अपने मित्र जयदेव और उसके परिवार पर गर्व क्यों होता है? उत्तर, डीसी को अपने मित्र जयदेव और उसके परिवार पर गर्व इसलिए होता है क्योंकि जयदेव ने बड़ी वीरता और साहस से तस्करों का मुकाबला कर उनसे 5 लाख का सोना पकड़ा, जिससे उसे गवर्नर की तरफ से 10,000 का इनाम दिया गया। इस राशि को जयदेव ने शहीद पुलिस अफसरों की विधवाओं को बराबर देने की बात की। जयदेव की ये त्याग भावना अन्य अफसरों के लिए अनुकरणीय थी। छेवा, पुलिस और सेना के अफसरों या सैनिकों के घर वालों को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? उत्तर, पुलिस और सेना के अफसरों या सैनिकों के घर वालों को निम्नलिखित मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें दिन प्रतिदिन अपने बच्चों की जान की चिंता लगी रहती है। उन्हें प्रतिक्षण अपने बच्चों की कुशलता की खबर का इंतजार लगा रहता है। माताएं अपने बच्चों के लिए प्रतिक्षण चिंतित रहती है कि वे लौट कर कब आएंगे।
परिवार वालों को अपने बच्चों की चिट्ठी का इंतजार लगा रहता है। आगे निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। क, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। माँ जी, ऐसे दिव्य बलिदान पर तो देवता भी अर्घ्य चढ़ाते हैं। वे भी स्वर्ग में जय जयकार करते हुए देश पर निछावर होने वाले का स्वागत करते हैं। इसका उत्तर है, नीलम अपने पति के साहस, शौर्य एवं वीरता का ओजस्वी स्वर में वर्णन करते हुए अपनी सासू माँ से कहती है कि जीवन का बलिदान कभी भी बेकार नहीं जाता। विशेषकर देश के लिए दिया गया बलिदान तो श्रेष्ठ होता है। ऐसे अनूठे बलिदान पर तो देवता भी पूजा सामग्री चढ़ाते हैं। वे भी स्वर्ग में जय जयकार करते हुए देश पर मर मिटने वाले वीरों का स्वागत करते हैं। आगे, बेटा, ये ठीक है कि 10,000 की रकम कम नहीं होती, लेकिन उन विधवाओं और मृत अफसरों के परिवारों के बारे में भी तो सोचो, उनकी क्या हालत होगी। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ समझाया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने जयदेव तथा उनके परिवार की त्याग भावना, निस्वार्थ भावना एवं राष्ट्र भावना का उल्लेख किया है। सुमित्रा माँ डीसी को कहती है कि ये ठीक है कि 10,000 की राशि कम नहीं होती, लेकिन उन विधवाओं और मृत अफसरों के परिवारों की सहायता अवश्य हो जाएगी, क्योंकि इस राशि की हमसे ज्यादा उन्हें जरूरत है। आगे, ग, पुलिस और सेना में भी थकना ये एक डिस्क्वालिफिकेशन है। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है। इसमें सैनिक की वीरता, साहस, सफलता, हौसले और राष्ट्रभक्ति की ओर संकेत है। पत्नी द्वारा थकान की बात सुनकर जयदेव कहने लगा कि पुलिस और सेना में थकान की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक सैनिक के लिए थकान एक असफलता होती है, इसलिए सेना में स्फूर्ति, साहस और शौर्य का महत्व है। आगे भाषा बोध है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। मैंने यहाँ इसका उत्तर लिखा है, निराशा का हताशा, आशाहीनता, सभ्य का सुसंस्कृत और शालीन, सूर्य का दिनकर और दिनेश, गौरव का अभिमान सम्मान, हित का भलाई परोपकार। आगे निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो मैंने यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है, जैसे स्वार्थ का निस्वार्थ, रात का दिन, दंड का सम्मान, टूटना जुड़ना, अनर्थ का अर्थ, हित का अहित, आशीर्वाद का तिरस्कार, आसान का मुश्किल, निश्चय का अनिश्चय, जल्दी का देरी, सभ्य का असभ्य, दुर्बल का सबल। आगे निम्नलिखित अनेकार्थक शब्दों के दो दो अर्थ बताइए, जैसे सोना का एक धातु और निद्रा या नींद, मुद्रा का धन और हाव भाव, मांग का वस्तु की मांग या नारी की मांग। आगे निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है यहाँ पर वज्रपात होना, अचानक बहुत बड़ा दुख आ पड़ना, सैनिक के शहीद होने पर उसके परिवार पर वज्रपात हो गया। अगला, छाती फटना, असहनीय दुख होना, बेटे की शहादत सुनकर माँ की छाती फट गई। अगला, बाल बांका ना होना, जरा सा भी नुकसान ना होना, वीरता और साहस से जयदेव का बाल बांका नहीं हुआ। दिल धक धक करना मतलब भयभीत होना, बेटे की खबर सुनकर माँ का दिल धक धक करने लगा। आगे, हृदय पर पत्थर रखना, चुपचाप सहन करना, नारी आजीवन मुसीबतों को हृदय पर पत्थर रखकर झेलती है, हिम्मत टूटना, हताश या निराश होना,
सैनिक को सामने देखकर तस्करों की हिम्मत टूट गई। आंखें पथरा जाना मतलब बहुत इंतजार कर थक जाना। अपने बेटे की प्रतीक्षा करते करते माँ की आंखें पथरा गई। आगे रचनात्मक प्रश्न है। पहला, जयदेव की जगह यदि आप होते तो इनाम में मिलने वाली राशि का आप क्या करते? उत्तर, जयदेव की जगह यदि मैं होता तो इनाम में मिलने वाली राशि का ठीक वही करता जो जयदेव ने किया। जयदेव ने जो त्याग भावना, राष्ट्र प्रेम और परोपकार की भावना से कार्य किया वह सराहनीय है। हम सब राष्ट्र के नागरिक हैं, इसलिए मानवता और राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है। अतः राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को सदैव राष्ट्रहित में कार्य करने चाहिए। मैं भी सदा जयदेव के समान कार्य करूंगा। दूसरा, मात्र प्रेम और देश प्रेम में से कौन सा प्रेम आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है और क्यों? उत्तर, मात्र प्रेम और देश प्रेम में से देश प्रेम हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है क्योंकि देश प्रेम सर्वोपरि है। हालांकि मात्र प्रेम भी श्रेष्ठ है, किंतु मात्र प्रेम की भावना तो देश प्रेम की भावना में ही छिपी होती है। जिस मनुष्य के हृदय में देश प्रेम होता है, वे मात्र प्रेम से कदापि मुख नहीं मोड़ सकता। अतः हमें देश प्रेम को अपने अपने अंतर्मन में बसाकर देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता के लिए कार्य करने चाहिए। सदा राष्ट्र उन्नति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। तीसरा, एकांकी पढ़ने के बाद क्या आपके मन में भी जयदेव जैसा सरकारी अफसर बनकर देश की सेवा करने का विचार आया? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? उत्तर, हाँ, मेरे मन में भी जयदेव जैसा सरकारी अफसर बनकर देश की सेवा करने का विचार आया क्योंकि राष्ट्र की सेवा ही सर्वोपरि है। राष्ट्र है तो हम है, राष्ट्र नहीं तो कुछ भी नहीं। मतलब राष्ट्र से हमारी पहचान है और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्रतिक्षण राष्ट्र सेवा के लिए तैयार रहे, देश के गद्दारों को मार भगाने में सदा सहयोग करें। चौथा प्रश्न, यदि आपको वाघा बॉर्डर पर जाने का मौका मिला हो तो अपने रोमांचक अनुभव से अपने सहपाठियों को परिचित कराएं। उत्तर, मुझे एक बार वाघा बॉर्डर पर जाने का मौका मिला। वाघा बॉर्डर भारत पाकिस्तान की सीमा का बॉर्डर है। इसके एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है। यहाँ प्रतिदिन सेनाओं की परेड होती है जिसका विहंगम दृश्य अनूठा होता है। सेना के अफसर अपनी पूरी वर्दी में सजे होते हैं। वे पंक्तिबद्ध होकर परेड करते हैं, तिरंगे को सलामी देते हैं। आगे और प्रश्न दिए गए हैं। पहला, देश के लिए शहीद होने वाले कुछ शहीदों के विषय में पुस्तकालय या इंटरनेट से जानकारी एकत्र करें। मैंने यह लिखा है, विद्यार्थी अपने शिक्षक की सहायता से शहीदों के विषय में पुस्तकालय या इंटरनेट से जानकारी एकत्र करें। कुछ शहीदों के नाम इस प्रकार हैं: नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक। आगे ज्ञान विस्तार। पहला, अमृतसर, ये पंजाब राज्य का अति महत्वपूर्ण नगर है। सिख धर्म का सबसे बड़ा गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब इसी नगर में है। विश्व भर के लोग इस पवित्र स्थल पर अपने भक्ति भावों और श्रद्धा को प्रकट करने आते हैं। दूसरा, स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर को हरमंदिर साहिब भी कहते हैं जो एक सरोवर के बीचों बीच बना हुआ है। इसके गुंबद पर सोना मढ़ा हुआ है और इसीलिए इसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं।
प्रतिदिन सभी धर्मों के लोग और हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं और अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं। ये सभी धर्मों को मानने वालों के लिए भी श्रद्धा और विश्वास का परम पवित्र स्थान है। तीसरा, वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर बनी एक सैनिक चौकी है। ये भारत के अमृतसर और पाकिस्तान के लाहौर के बीच GT रोड पर निर्मित है। ये लाहौर से 22 किलोमीटर दूर है और भारत के अमृतसर की सड़क के रास्ते में 32 किलोमीटर की दूरी पर है। शाम के समय दोनों देशों की सेना की तरफ से गेट बंद करने के समय भव्य परेड यहाँ की जाती है। इसे देखने वाले दोनों तरफ से बहुत बड़ी संख्या और जोश में यहाँ एकत्रित होते हैं। आगे, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है, जहाँ देश भर से लोग अपनी श्रद्धा को देशभक्तों के प्रति प्रकट करने के लिए आते हैं। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब बैसाखी के दिन 13 अप्रैल सन 1919 में बैसाखी का पर्व मनाने के लिए आए तीर्थयात्रियों तथा अंग्रेजों के द्वारा कुछ निरपराधों की गिरफ्तारियों का शांतिपूर्ण विरोध करने वालों पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी गई थी। जनरल डायर ने अपने क्रूरता भरे व्यवहार से सैकड़ों निरीह लोगों की हत्या कर दी थी और हजारों लोग घायल हो गए थे। तब से जलियांवाला बाग को अंग्रेज सरकार की क्रूरता और अमानवीयता की साक्षी माना जाता है। ये बाग अब ऐतिहासिकता और देशभक्तों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक बन चुका है। आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहला प्रश्न, देश के दुश्मन कैसी एकांकी है? उत्तर, देश के दुश्मन राष्ट्र भावना से ओतप्रोत एकांकी है। दूसरा, इस एकांकी में जयदेव की किस भावना का चित्रण हुआ है? उत्तर, इस एकांकी में जयदेव की कर्तव्य परायणता, वीरता, निस्वार्थ भावना, त्याग भावना एवं राष्ट्र भावना का चित्रण हुआ है। तीसरा प्रश्न, मीना के विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के भाषण का विषय क्या था? उत्तर, तस्करी, चोर, बाजारी और आर्थिक व्यवस्था। चौथा, बलिदान का बदला कौन देता है और किस रूप में? उत्तर, बलिदान का बदला भगवान देता है, वे वरदान के रूप में देता है। पांचवा प्रश्न, एकांकी के अनुसार किनका दिल पत्थर होता है? उत्तर, एकांकी के अनुसार मर्दों का दिल पत्थर होता है। छेमा, नारी के हृदय में सदा क्या भरा रहता है? उत्तर, नारी के हृदय में सदा प्रेम भरा रहता है। सातवां, देश के दुश्मन एकांकी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, देश के दुश्मन जयनाथ नलिन द्वारा लिखित एक राष्ट्र भावना से ओतप्रोत एकांकी है। इसमें लेखक ने भारतीय रक्षा सेनाओं की कर्तव्य परायणता, वीरता, त्याग भावना, निस्वार्थ भावना, बलिदान आदि का चित्रण किया है। इन वीरों के साथ साथ इनके परिवारजन भी इन्हीं उदार उदार भावनाओं से भरे होते हैं। इन्हीं महान लोगों के कारण भारतवर्ष अपने दुश्मनों को धराशायी कर आज गर्व से झूम रहा है। लेखक ने ऐसे ही तेजस्वी, साहसी और निडर देशभक्तों और वीरों का अभिनंदन किया है। आठवां, सुमित्रा का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, सुमित्रा मीना और जयदेव की माँ है। उनकी आयु लगभग 50 वर्ष है। उनके बाल काले तथा सफेद हैं। उनका रंग गेहुआ सांवला है। उनके मुख पर दुख और निराशा की झलक स्पष्ट झलकती है। उनका शरीर पतला और लंबा है। उनमें त्याग भावना, राष्ट्र भावना एवं निस्वार्थ भावना के दर्शन होते हैं। नौवां, इस एकांकी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों? उत्तर,
या जयदेव के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, इस एकांकी में हमें जयदेव पात्र सबसे अच्छा लगा क्योंकि ये पात्र सभी पात्रों में श्रेष्ठ एवं प्रधान है। संपूर्ण एकांकी इस पात्र पर आधारित है। ये एकांकी का केंद्र बिंदु है। ये बागा बॉर्डर पर DSP के पद पर नियुक्त है। ये बहुत निडर, साहसी एवं वीर है। यह एक कर्तव्य परायण सैनिक है। इसमें त्याग भावना, राष्ट्रभक्ति एवं निस्वार्थ भावना कूट कूट कर भरी है। इसमें परोपकार की भावना का संचार है। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न है, मीना का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, मीना जयदेव की बहन एवं सुमित्रा की बेटी है। ये अर्थशास्त्र की MA भाग 2 की छात्रा है। इसका रंग गोरा और आंखों में प्रतिभा की ज्योति विराजमान है। ये सदा मुस्कुराती रहती है। इसके बाल लंबे एवं काले हैं। इसमें वीरता, साहस, निडरता एवं त्याग भावना है। इसमें बलिदान एवं राष्ट्र भावना का संचार है। शायद इसीलिए वह अपने भाई के बलिदान की बात सुनकर गौरवपूर्ण भाव से कहती है, ये तो हमारे कुल के लिए गौरव की बात है कि हमारे पिता मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वर्गवास हुए। इस बलिदान का बदला भगवान हमें दंड के रूप में नहीं, वरदान के रूप में देगा। आगे 11वां, नीलम के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, नीलम जयदेव की पत्नी तथा मीना की भाभी है। इनकी आयु 23-24 वर्ष है। ये बहुत सुंदर, हंसमुख और मधुरभाषी है। इनके मुख पर गुलाबी आभा विराजमान रहती है। इनके नेत्र विशाल हैं। इनमें त्याग एवं निस्वार्थ भावना कूट कूट कर भरी है। ये साहस एवं निडरता की प्रतिपूर्ति है। राष्ट्रभक्ति इनकी आत्मा में विराजमान है। अपने पति के शहीद होने की बात सुनकर ये तनिक भी घबराई नहीं, बल्कि निडरता एवं साहस के साथ अपनी माँ का धैर्य बंधाने लगी। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता माँ जी। ऐसे दिव्य बलिदान पर तो देवता भी अर्घ्य चढ़ाते हैं। वे भी स्वर्ग में जय जयकार करते हुए देश पर निछावर होने वाले का स्वागत करते हैं। 12वां, देश के दुश्मन एकांकी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, देश के दुश्मन एकांकी एक प्रेरणा पद एवं शिक्षा प्रद एकांकी है। इस एकांकी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। जरूरत पड़ने पर हमें अपना बलिदान राष्ट्र सेवा के लिए खुशी खुशी दे देना चाहिए। जान देकर अपने वतन की आन बान शान को बचाना चाहिए। हमें सदा त्याग, निस्वार्थ भावना, कर्तव्य परायणता से अपना कर्म करना चाहिए। राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम को अपने अंतर मन में बसाकर रसना चाहिए। आगे एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। पहला, मीना की यूनिवर्सिटी में किस विषय पर भाषण होना था? उत्तर, मीना की यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर का तस्करी, चोर बाजारी और आर्थिक व्यवस्था पर भाषण होना था। दूसरा, मीना के पिताजी ने कहाँ बलिदान दिया था? उत्तर, मीना के पिताजी ने चीनियों से भारत की सीमा की रक्षा करते हुए बलिदान दिया था। तीसरा, जयदेव ने कितने दिनों की छुट्टी पर आना था? उत्तर, जयदेव ने 15 दिनों की छुट्टी पर आना था। चौथा, जयदेव का बचपन का दोस्त और क्लासमेट कौन है? उत्तर, DC जयदेव का बचपन का दोस्त तथा क्लासमेट है। आगे है,
बहुविकल्पीय प्रश्न, चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न, जयदेव को कितने हजार रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया, 5, 10, 15 या 20? उत्तर है 10,000। दूसरा, मुठभेड़ में कितने तस्कर मारे गए थे, 1, 2, 3 या 4? उत्तर है 3। तीसरा प्रश्न, जयदेव बागा बॉर्डर पर किस पद पर नियुक्त था, एसपी या डीएसपी या एसएसपी या एसओ? इसका उत्तर है डीएसपी। आगे, एक शब्द हाँ नहीं सही गलत रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न। पहला प्रश्न है, यहाँ पर जयदेव ने किनसे मोर्चा लिया था, एक शब्द में उत्तर दे, तस्करों से। दूसरा प्रश्न, नीलम सुमित्रा की बेटी है, हाँ या नहीं में उत्तर दे, ये नहीं गलत है, कौन है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तीसरा, बागा बॉर्डर पर 2 सरकारी अफसर मारे गए, सही है या गलत? ये सही है। चौथा, वारी मेरी वीरांगना बहन, सही है या गलत? ये गलत है। पांचवा प्रश्न, कैसे भयंकर निडर राक्षस है, सही या गलत? ये सही है। छठा, पीरियड ना लेना तो डैश के डैश की शान है यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों। सातवा, ऐसी क्या डैश आ गई कि डैश तक नहीं, आफत नाश्ता। आठवां, उसने डैश से किस डैश और चतुराई से मोर्चा लिया, तस्करों और किस बहादुरी से मोर्चा लिया। तो ये थी आज की क्लास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।